हाय गाइस, दिस इज देवेंद्र और आज के वीडियो में हम बात करेंगे फिटकिट FT100 सीरीज मोटराइज्ड ट्रेडमिल के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप ये ट्रेडमिल कभी भी परचेज करना चाहें तो इस पे अवेलेबल सारे ऑफर्स की जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, एक बार उन लिंक्स को ज़रूर देख लीजिएगा, शायद कुछ पैसे आप बचा पाएँ। चलिए दोस्तों, इस ट्रेडमिल के बारे में बात करते हैं। फिटकिट FT100 सीरीज का ये मोटराइज्ड ट्रेडमिल 25,000 रुपये की रेंज में अमेजोन और फ्लिपकार्ट और बाकी ई कॉमर्स स्टोर्स पर अवेलेबल है। एज ए ब्रांड अगर बात करें तो फिटकिट ISO सर्टिफाइड कंपनी है, ISO 9001 सर्टिफिकेशन इन्हें मिला है 2015 में, तो बहुत अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स फिटकिट आते हैं। ये जो पर्टिकुलर मशीन है, ये मोटराइज्ड ट्रेडमिल है, इसमें मैनुअल इंक्लिनेशन और मैनुअल लुब्रिकेशन दोनों फीचर्स हैं। डोमेस्टिक यूज़ के लिए, कार्डियो वर्कआउट के लिए एक बहुत शानदार मशीन है। अगर लुक्स की बात करें तो लुक्स और फंक्शनैलिटी दोनों इसकी बहुत शानदार हैं। सबसे पहले हम आते हैं मोटर के बारे में। तो 1.75 हॉर्स पावर कंटिन्यूस पावर आउटपुट देने वाला एक पावरफुल मोटर इस मशीन में लगा हुआ है, जो एनर्जी एफिशिएंट है और एक स्मूथ और नॉइसलेस वर्कआउट हमें देता है। 1.75 हॉर्स पावर इसका कंटिन्यूस पावर आउटपुट है, यानी पीक आउटपुट तो 3 हॉर्स पावर से भी ज़्यादा का है। और मशीन में जो ये मोटर है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मोटर है। वारंटी की अगर बात करें तो मोटर की वारंटी 1 ईयर की है और बाकी पार्ट्स की वारंटी भी 1 ही साल की है। कुछ ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो मोटर में 1 के बजाय 2 साल की वारंटी देते हैं, पर फिटकिट ने मोटर की वारंटी बस 1 साल की ही दी है। और साथ में ही अगर मोटर की लाइफ आप बढ़ाना चाहते हैं तो ये मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप एक वोल्टेज स्टेबलाइजर ज़रूर कनेक्ट कर लीजिए मोटर के साथ, उससे मोटर की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। जो डिस्प्ले इस मोटर में मशीन में लगा हुआ है, उसमें आप बेसिक फंक्शनैलिटी जैसे टाइम, स्पीड, कैलोरीज बर्न, हार्ट रेट और मोड्स और प्रीसेट प्रोग्राम्स एक्सेट्रा हम इसमें देख सकते हैं। 12 प्रीसेट प्रोग्राम्स इस मशीन में ऑलरेडी दिए हुए हैं वर्कआउट के लिए, तो आप अपने नीड के हिसाब से कोई भी प्रोग्राम चूज कर सकते हैं या उनको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मशीन में साथ में ही सेफ्टी क्लिप लगा हुआ है, तो जब हम वॉक या रन इस पे करते हैं तो उसे अपने टी शर्ट से या शर्ट से कनेक्ट कर लेते हैं, इनकेस हम डिसबैलेंस हो जाएं तो क्लिप जैसे ही डिटैच होगा है बॉडी से, क्लिप जैसे मशीन से डिटैच होता है तो मशीन अपने आप रुक जाती है, तो हमारे गिरने की या चोट लगने की संभावना है उससे खत्म हो जाती है। इस मशीन की फंक्शनैलिटी के बारे में भी मैं बात करूंगा, लेकिन इसमें बहुत सारे विशेष स्पेशल फीचर्स हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। जैसे कि इसका जो फिटप्लस एंड्रॉयड ऐप इसके साथ जो आता है, बहुत हैंडी टूल है वो, इससे हम अपने डेली वर्कआउट को ट्रैक कर सकते हैं। फिटप्लस ऐप आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस में या iOS डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं, या अगर आप कोई फिटनेस बैंड पहनते हैं किसी भी ब्रांड का हो, एप्पल, सैमसंग या गूगल, कोई सा भी, आप उनमें भी इसको इंस्टॉल करके उनको इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो उस पर हम अपना रूटीन वर्कआउट का स्टेटस और सब कुछ, अपनी हेल्थ का स्टेटस मेजर कर सकते हैं। विशेष बात यह है कि इसमें 6 महीने का डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान फ्री में आता है फिटप्लस ऐप में, 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अगर रनिंग सरफेस की बात करें तो 120 cm x 42 cm का इसका रनिंग बेल्ट है। अगर इंचेस में बात करें तो 45 inches x 16.5 inches, तो वो काफ़ी चौड़ा है। और इसमें बेल्ट चौड़ा और बड़ा होने से फ़ायदा ये होता है कि आपको रनिंग करते वक्त गिरने का या पैर इधर उधर डिसबैलेंस होने का खतरा नहीं रहता है, तो आप बिल्कुल फ्री माइंड होकर इस पर रनिंग कर सकते हैं। मैक्सिमम यूज़र वेट कैपेसिटी इसकी 110 किलोग्राम्स की है, क्योंकि ये मशीन बहुत पावरफुल DC मोटर इसमें लगा हुआ है 1.75 हॉर्स पावर का, तो मैक्सिमम यूज़र वेट कैपेसिटी भी ज़्यादा है जो कि 110 किलोग्राम है। यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि 110 किलोग्राम इम्पैक्ट वेट है, यानी नॉर्मल यूज़र का वेट जो होगा वो 90-95 किलोग्राम का यूज़र इस पर आराम से रनिंग कर सकता है, उससे ज़्यादा वेट होने पे आप रनिंग नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ वॉक कर पाएंगे। तो अगर आपका वेट 95 किलोग्राम तक है तो आप इसे बेशक परचेज कीजिए, आप इस पर वॉक से लेकर रनिंग तक कुछ भी कर सकते हैं। इंक्लिनेशन लेवल की बात करेंगे तो इसमें 3 लेवल का मैनुअल इंक्लिनेशन है, तो आप अपने वर्कआउट को अगर इंटेंसिफाई करना चाहें तो इंक्लिनेशन बढ़ा सकते हैं, या डी इंटेंसिफाई करना चाहें तो इंक्लिनेशन कम कर सकते हैं। स्पीड रेंज 1 से लेकर 15 किलोमीटर तक है, यानी आप इस पर नॉर्मल वॉक से लेकर जॉगिंग या रनिंग भी कर सकते हैं।
ये थे इसके कुछ खास फीचर्स। इसमें कुछ अदर फीचर्स भी हैं जो इसको बहुत अट्रैक्टिव बना देते हैं, चलिए आइए उनके बारे में बात करते हैं। तो मशीन के साथ ये सिर्फ एक जॉगिंग या रनिंग के लिए नहीं है, ये मल्टी फंक्शनल मशीन है। इसमें आपको साथ में डंबल्स, मसाजर, सिटअप बार्स एक्सेट्रा भी मिलते हैं। इसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हील्स लगे हैं, तो आप इजीली इसे एक बंदा एक रूम से दूसरे रूम में बड़ी आसानी से इंक्लाइन करके कैरी कर सकता है। ये मशीन फोल्डेबल है तो बहुत ज़्यादा स्पेस आपका सेव कर देती है। 3 फीट बाय 3 फीट में आराम से ये मशीन बहुत छोटे से स्पेस में आप इसे फोल्ड करके रख सकते हैं। इसमें हाइड्रोलिक ड्रॉप डाउन सिस्टम है तो सेफ और बिल्कुल हैसल फ्री अनफोल्डिंग होती है मशीन की। मैनुअल लुब्रिकेशन है तो पीरियडिकली हम इसे लुब्रिकेशन इसका कर सकते हैं, एज पर नीड एज पर यूजेस हम इसे लुब्रिकेशन कर सकते हैं। जो इसका बेल्ट है वो मल्टी लेयर सरफेस है, रनिंग बेल्ट जो है, तो वो शॉक एब्जॉर्बशन का काम भी करता है। माफ कीजिए, जो फ्रेम है वो स्टील का बना हुआ है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, कोई चिंता फिक्र की बात नहीं है। इंस्टॉलेशन इसका बिल्कुल फ्री है, इनकी टीम फिटकिट की टीम घर पे आके इंस्टॉलेशन करती है, उसमें लगभग 45 मिनट का टाइम इन्हें लगता है। साथ में ही वर्कआउट करते हुए म्यूजिक सुनने के लिए इसमें यूएसबी पोर्ट भी है, जिसे आप यूएसबी यानी पेन ड्राइव से म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, या फिर ऑक्सिलरी केबल को 3.5 mm जैक वाली केबल अपने फ़ोन में लगा के उससे भी कर सकते हैं। MP3 स्पीकर इसमें लगा हुआ है, स्पीकर के आउटपुट कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, एवरेज है, कोई वॉल्यूम भी मुझे थोड़ा कमी लगा इसका। और टेबल और टैबलेट और मोबाइल होल्डर भी इसके फ्रंट पैनल पे लगा हुआ है, तो आप म्यूजिक वगैरह कुछ भी प्ले करें तो अपने डिवाइस को उस पर होल्ड कर सकते हैं इजीली। ओवरऑल ये कार्डियो वर्कआउट के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए बहुत शानदार मशीन है। डोमेस्टिक यूज़ के लिए इसलिए है क्योंकि 2 से 3 घंटे ऑपरेट करने के बाद आपको इसे कुछ देर के लिए रेस्ट देना पड़ता है मशीन को, तो आप इसे जिम में यूज़ नहीं कर सकते, डोमेस्टिक यूज़ के लिए आराम से यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा वीकनेस मुझे लगता है कि स्पीकर का आउटपुट थोड़ा बेटर हो सकता था, बाकी एज ऑफ फंक्शनैलिटी और परफॉर्मेंस ये मशीन बहुत शानदार मशीन है, आप निश्चिंत होकर इसे परचेज कर सकते हैं। अगर आप ये मशीन परचेज करना चाहते हैं तो इसका लोएस्ट प्राइस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे जाके प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा। इस मशीन से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहें हमारे साथ और नई ट्रेडमिल्स के बारे में जानकारी के।